दोस्तों 2021 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ड्यून पार्ट वन। आप लोग इसे सिर्फ ड्यून भी कह सकते हो, पर पार्ट वन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका पार्ट टू 29 फरवरी को दुनिया भर में रिलीज होने वाला है। 22 अक्टूबर 2021 में इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था और दुनिया उस वक्त कोविड-19 के खतरों से जूझ रही थी, तो इसे जल्द ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे डाल दिया गया था। और जहां तक मुझे लगता है कि इसकी रिलीज डेट को थिएटर में प्रीपोन्ड किया गया था और फिर उसे पोस्टपोन करके बाद में अक्टूबर मंथ में रिलीज किया गया। और ये फिल्म उस वक्त थिएटर और ऑनलाइन HBO मैक्स पर एक साथ रिलीज हुई थी, जो कि नजर में एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी वार्नर ब्रदर्स की तरफ से। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था जॉन स्पेट्स और एरिक रॉथ ने। आई गेस मैं उनका नाम ठीक से ले पा रहा हूँ, अगर आप सही से प्रोनाउंस कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और ये एडेप्टेशन था 1965 के नॉवल जो कि सेम नाम से लिखा गया था और जिसके राइटर थे फ्रैंक हर्बर्ट, जिनके लिखे गए ड्यून नॉवल पर इस फिल्म के दोनों पार्ट बने हैं। पार्ट वन तो ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, पर पार्ट टू बहुत जल्द ही हमारे सामने होगा इसी वीक 29 फरवरी को। तो उस फिल्म को देखने से पहले थोड़ा पार्ट वन का रिवीजन कर लेते हैं। मैं इसका पार्ट वन आपको बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा, मतलब जितना क्रिस्प और प्रिसाइज हो सके कि आपको आखिर आइडिया लगे फिल्म की स्टोरी का। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो फिल्म का स्क्रीन प्ले भले ही अच्छा हो, मगर इस फिल्म में स्टोरी लाइन का बिल्डअप थोड़ा स्लो था, जिसकी वजह से मैंने इस फिल्म को जब ऑनलाइन देखा तो इस फिल्म को देखते वक्त मेरी आंखें बीच में कई बार झपकी भी थी। VFX और एग्जीक्यूशन इतना अच्छा है इस फिल्म का कि आप इससे अछूते नहीं रह पाओगे। तो बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ये फिल्म बेस्ड है इस वक्त से कई साल आगे के फ्यूचर पर, और ये कहानी एक ऐसे प्लेनेट अराकस की है जिसकी जमीन तब्दील हो चुकी है एक भयावह और एक ऐसे बंजर रेगिस्तान में जिसकी रेत में खनिज पाया जाता है जिसका नाम स्पाइस है, यानी कि मसाला, जो कि इस बंजर प्लेनेट की आत्मा है और जिसकी मदद से उस प्लेनेट के लोग स्पेस में एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट इंटरस्टेलर ट्रेवल भी कर सकते हैं। प्लेनेट कैलडॉन का शासक लेटो एटर्डीज, जो कि एटर्डीज वंश के घराने से ताल्लुक रखता है, उसे अराकस पे भेजा जाता है ताकि व्लादिमीर हरकोनियन को रिप्लेस किया जा सके। व्लादिमीर हरकोनियन लेटो एटर्डीज के पूरे वंश को जान से मारने की प्लानिंग करता है, जिसको रोकते हुए ड्यूक लेटो एटर्डीज का सेनापति डंकन मारा जाता है, पर व्लादिमीर हरकोनियन को नहीं पता कि उसको रोकने के लिए एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। ड्यूक लेटो की पत्नी लेडी जेसिका, जो कि एक विशिष्ट ग्रुप बेने गेसरिट की अनुचर है, जिसके पास नेक्स्ट लेवल की फिजिकल और मेंटल पावर्स हैं, जो उसके बेटे पॉल एटर्डीज को भी मिल चुकी हैं। पॉल को अपनी माँ से एक ऐसी स्पेशल पावर मिली है जिसकी मदद से वो अपनी वॉइस कमांड से किसी को भी कंट्रोल और किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इन पावर्स की वजह से पॉल को कुछ सपने भी आते हैं जिसमें उसको झलक मिलती है एक फ्रीमन रिबेलियन लड़की चानी की, जो अपने फ्रीमन दल के साथ अराकस के रेगिस्तानों में व्लादिमीर हरकोनियन को नस्त नाबूद करने के लिए फ्रीमेंस का गठन कर रही है। इवेंचुअली ड्यूक लेटो एटर्डीज मर जाता है और हालात से लड़ते दुश्मनों से लड़ते हुए पॉल एटर्डीज अनजाने में ही मिल जाता है फ्रीमन चानी से। मतलब फिल्म के एंड तक आते आते दोनों एक जैसे नीली आंखों वाले हो जाते हैं। अराकस की रेत से न सिर्फ मेंटली और फिजिकली पावर इनहेंस होती है, बल्कि अराकस की ये रेत आई मीन ये ड्यून सारे के सारे फ्रीमैन को अराकस की सोल से कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से सारे फ्रीमैन की आंखों का रंग नीला है। चानी और पॉल के एक होते ही ये फिल्म वही खत्म हो जाती है, और पॉल चानी को ये कन्विंस करने में कामयाब होता है कि एटर्डीज और फ्रीमैन दोनों का दुश्मन सिर्फ एक ही है व्लादिमीर हरकोनियन, जिसके बुरे मंसूबों की वजह से अराकस की धरती पहले ही काफी कुछ झेल चुकी है। साथ ही में अराकस में कुछ ऐसा भी है जिससे हर कोई डरता है। ये विशालकाय रेतीले कीड़े इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि अराकस की धरती पे कहीं से भी निकल आते हैं, और इनसे बच पाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। बाकी और भी सारी घटनाएं धीरे धीरे बैकग्राउंड में होती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको ड्यून पार्ट वन को एक बार आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा ड्यून टू को देखने से पहले। इस ड्यून फ्रेंचाइजी के नॉवल के एडेप्टेशन की वजह से हमें स्टार वॉर्स जैसी एक नेक्स्ट लेवल स्टोरी लाइन ऑलरेडी मिल चुकी है, तो सोचो जब ओरिजिनल ड्यून पे जब मूवी बन के रेडी होगी ये दोनों पार्ट, वाकई हमारे लिए एक वर्थ वॉचिंग सिनेमा होंगे। जब से इसका ट्रेलर 2 आया था तभी मैंने इस फिल्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करी थी आपसे, क्योंकि मेरा मत था कि जब इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज हो जाएगा दोनों पार्ट की कहानियों को एक ब्रीफ रिव्यू दूंगा। खैर कोई बात नहीं, मूवी जब रिलीज होगी तब होगी। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के सेकंड पार्ट को देखने के लिए मैं थिएटर जरूर जाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस ड्यून 2 मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो। तो फिर से मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।